जिला प्रशासन, बालू माफिया और स्थानीय नेता मिलकर के अवैध बालू का निकासी कर रहा है, जिसके खिलाफ में माले के नेता सुख सागर जी के नेतृत्व में वहां आंदोलन चल रहा है। 2 तारीख को ही बालू माफियाओं ने जान मारने की धमकी दिया है। आज 12 दिन बीत गए, अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ, एक भी माफिया और अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुआ, जिसके खिलाफ में यह धरना चल रहा है। इससे यह साबित हो रहा है कि बालू माफिया के साथ जिला प्रशासन का वैध और अवैध संबंध है, जिसके चलते यह बालू की निकासी हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।